मते आज एकलव्य पुरस्कार जीतिकी बहुत प्राउड फील होउची। बहुत वर्ष धरी एटा मोर स्वप्न थिला एकलव्य पुरस्कार जितिबा, जेमती कि ओडिसा रा सबु युवक क्रीडाबित पानक पई एटा गुटी स्वप्न एकलव्य पुरस्कार जितिबा। त आपे मते बहुत प्राउड फील होउची आउ बहुत मोटिवेटेड मते फील होउची आगो को आहुरी ओडिसा पई आउ इंडिया पई ना करिया पई। प्रिपरेशन से मु बहुत भलो करथिली, मु मो खेल रे एक्सेल करिया पई आउ एवं मु इंडिया पई मेडल दबा पई एवं मु प्रिपरेशन एबे मध्ये भलो चलछि। उत्कल प्रदेश अपना ओडिसा स्पोर्ट्स हब बनने जा रहा है, बन गया है। हमने पैरा ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता है और जो जैवलिन के अंदर भी नीरज चोपड़ा हरियाणा के जीते थे वो भी इधर से ट्रेनिंग लेकर गए थे। तो जैवलिन में आप ये कह सकते हैं उड़ीसा ने 1.5 मेडल तो जीता ही जीता है, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में। और आने वाले समय में हमको लगता है 2024 में उड़ीसा एक बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है जहाँ तक स्पोर्ट्स का संबंध है। तो स्वाभाविक रूप से जो 29 वर्षों से ये लगातार प्रयास चल रहा है, जब कुछ भी नहीं था तब से प्रयास चल रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ उनको साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मिस पंडा को बहुत बहुत कांग्रेट्स। बैडमिंटन प्रथम थर ये झील महिला इंडियन टीम खेल आम देखा पाचु एकलव्य अवार्ड गोटे प्रेस्टीज अवार्ड 93 आरंभ कर बर्तमान 29 इयर्स है जो थे बहुत खिलाड़ी जमी मुझे 96 पाई।